यार वो लड़का ब्लाइंड डेट पे लेके जाना चाहता है मुझे। रियली वाओ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेरी शक्ल देखी है तूने? तुझे पता है ना सबको गोरी लड़कियां पसंद आती हैं। देख ऐसा कुछ भी नहीं है, तू जा और मिलकर आ, इट विल बी ऑल गुड। करुण, यू आर करुण राइट? खुशी। यस हाय। सो यू आर खुशी? यस व्हाई? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू डू? आई एम डूइंग लॉ। नाइस, आई एम अ टीचर। अच्छा सुनो एक बात बताओ, तुमने कोई बहुत सुंदर सी गोरी लड़की एक्सपेक्ट की थी ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे सच बोल दो, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? तुमको बोला ना मैंने ऐसा कुछ नहीं है। अरे व्हाई यू गेटिंग सीरियस? यार सीरियस होने की बात नहीं है, तुमको पता है ना कितनी दूर से आया हूँ मैं। पर तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। हाँ बट तुमको पता है ना किसी भी लड़के को कोई गोरी या सुंदर लड़की ही पसंद आएगी, तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया यहाँ पे? मतलब? मेरा मतलब ये है कि ब्लाइंड डेट पे लड़कों का टाइम वेस्ट मत किया करो ऐसे। लिसन आई एम रियली सॉरी, मुझे तो बस ये लगा था कि तुम बाकी लड़कों से डिफरेंट हो। आई एम रियली सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, पर मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी। हेलो। हेलो भैया प्लीज स्कूल जल्दी आ जाओ। क्या हुआ है? वो स्कूल में मेरी लड़ाई हो गई है बच्चों से, प्लीज आप अभी जल्दी आ जाओ। लड़कों के साथ लड़ाई? बट हुआ क्या है? आप आ जाओ मैं सब बता दूंगा आपको, प्लीज। ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं वेट कर मेरा। तुम? भैया ये मेरी क्लास टीचर है। ये सब क्या है आयन? कुछ लड़के मुझे काला तवा कह के चिढ़ा रहे थे, तो मैंने उनसे लड़ाई कर ली। तेरे को लड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपको कभी किसी ने काला बोला है? पता भी है कितना गुस्सा आता है, बट अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा। मेरी टीचर ने मुझे बचाया भी और समझाया भी कि बेशक आपको लोग काला बोले, छोटा बोले या मोटा बोले, आपको हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, है ना? ठीक है तू गाड़ी में बैठ, मैं आता हूँ। इसको थोड़ी चोट आई है तो इसको डॉक्टर को दिखा देना, और बाकी जितनी भी नेसेसरी फर्स्ट एड थी वो हमने इसको दे दिया। ठीक है मैं देख लूँगा, but I'm really sorry for what I did. It's okay. No, Khushi, it's not okay. आज मेरे खुद के भाई के साथ ये हुआ तो समझ आया मुझे कि तुम्हें कितना बुरा लगा हो। उसने तो लड़ाई भी कर ली और तुम। I'm really sorry. Well, it's okay. I don't hold any grudges against you. So, coffee tomorrow? नहीं, आई हैव सम वर्क। मतलब तुमने अभी भी मुझे माफ नहीं किया? ओके आई विल थिंक अबाउट इट।
This is 2021 and discrimination on the basis of color has come too far with our civilization. Let's try and end this now. That's it for this story. See you next Friday. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.